हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष शर्मा एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं उदय क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज से पहले हमने जितने भी वीडियो अपलोड किए वो मैथमेटिक्स, कुछ रीजनिंग और इतिहास के वीडियो थे। आज एक नए सब्जेक्ट के साथ, भारतीय संविधान के साथ हम प्रारंभ करते हैं और हम इतिहास के वीडियो भी डेली अपलोड करेंगे। इतिहास के साथ साथ संविधान के भी वीडियो डाउनलोड करते हैं। अब देखते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान पढ़ने से पहले हमें इसके बारे में कुछ जानना बहुत अनिवार्य है। जैसे आप यहाँ पर ध्यान देंगे, एक नाम आता है यहाँ संविधान और दूसरा नाम आता है इसी का, जिसे बोलते हैं हम राज व्यवस्था। एक नाम आता है संविधान और एक आता है राज व्यवस्था। आप यहाँ थोड़ा इतना ध्यान रखेंगे, अब जो संविधान है, हम भारतीय संविधान के बारे में बात करने से पहले हम बिल्कुल मूलतः इसके जड़ के बारे में बात करते हैं। अगर मैं आपसे एक बात कहूं, आप किसी भी बुक स्टॉल पर जाते हैं, स्टेशनरी पर जाते हैं और वहां पर जाकर कहेंगे कि भैया हमें संविधान की एक बुक दो, कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक दो, या फिर आप कहते हो वहां जाके हमें राज व्यवस्था की बुक दो, तो आप इसका मतलब बिल्कुल यहां यह समझ लेना, आप चाहे संविधान की बुक मांगे या राज व्यवस्था की बुक मांगे, दोनों का मतलब एक होता है, नाम में अंतर होता है बस। जैसा कि आप यहां ध्यान देंगे, अब यहां पर हम संविधान पढ़ने से पहले थोड़ा समझते हैं कि राज व्यवस्था क्या होती है। अगर हम यहाँ राज व्यवस्था को समझने में कायम होते हैं तो आपको पता होना चाहिए संविधान को समझना बहुत ज्यादा कठिन कार्य नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर हम राज्य व्यवस्था के बारे में बात करें तो राज्य व्यवस्था का थोड़ा विच्छेद करते हैं, जिसे बोला जाता है राज्य प्लस व्यवस्था। राज्य प्लस व्यवस्था, और जो राज्य के लिए व्यवस्था की जाती है उसी को बोला जाता है राज्य व्यवस्था। अब यहां पर एक नाम आया राज्य, और राज्य के बारे में हम चर्चा अलग करेंगे और व्यवस्था के बारे में अलग चर्चा करेंगे। अगर हम यहाँ यह समझने में कायम रहे कि वास्तव में राज्य क्या होता है और राज्य की व्यवस्था क्या होती है, तो आप यकीन मानिए कि कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे वो इंडिया का हो या फ्रांस का हो या ब्रिटेन का हो या किसी भी देश का क्यों ना हो, वह बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता। अब यहाँ पर हम समझेंगे थोड़ा अगर राज्य, तो आप यहाँ पर एक बात समझ लीजिएगा कि अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक राज्य जो होता है वह स्टेट कहलाता है। जैसे कि आज हम भारत में अगर बात करें कि भारत में, भारत राज्यों का एक संघ है जिसमें 29 स्टेट हैं। कितने स्टेट हैं? 29, जिसमें 29 राज्य हैं। लेकिन यहाँ जब नाम आता है संविधान में या राज्य व्यवस्था में, राज्यों का जब नाम आता है, तो आप ध्यान रखेंगे किसी भी देश का संविधान क्यों न हो, वहां पर उस देश को देश नहीं कहा जाता, बल्कि क्या कहा जाता है? राज्य कहा जाता है। अगर हम अपने देश की बात करें, भारत की भी बात करें, तो भारत को देश नहीं कहा गया संविधान में, बल्कि क्या कहा गया है? राज्य कहा गया है। तो आप यहां राज्य को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा प्राचीन भारत में जाते हैं। तो प्राचीन भारत में आप समझेंगे कि एक समय यह था जब पूरा भारत 16 महाजनपदों से घिरा हुआ था। पूरे भारत में 16 महाजनपद थे और उस समय का सबसे महान महाजनपद जो था वह था आपका मगध साम्राज्य। और मगध साम्राज्य के बारे में, जैसा कि आप इतिहास के वीडियो में देख सकते हो, मैंने मगध साम्राज्य की लगातार 5-6 वीडियो अपलोड की थी। और मगध साम्राज्य में उस समय एक शासन था जिस शासक का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, और एक वंश था जिसका नाम था मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य इस वंश का संस्थापक था और इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन इसी के समय इसका एक सेनापति रहता था जिसका नाम था चाणक्य। अब यहां आप यह ध्यान रखेंगे, मैं इसलिए इसे बता रहा हूं कि जिससे आपको राज्य की अच्छी तरह व्याख्या पता पड़े कि वास्तव में राज्य क्या होता है। तो यहां आप इतना ध्यान रखें, अगर राज्य की बात करें तो राज्य के बारे में बहुत फिलोसफर हुए, दार्शनिक हुए दुनिया में, जैसे जिनका नाम है प्लूटो है, और प्लूटो के अलावा अरस्तु हुए, अरस्तु के अलावा मैकियावली हुए। इन सब ने राज्यों की एक विशेष व्याख्या दी। लेकिन वास्तव में अगर दुनिया में राज्य के बारे में अगर बात जो सही तरीका से की कही, वो किसने की? चाणक्य ने की। राज्य की वास्तविक परिभाषा जो दी वो चाणक्य ने दी, और चाणक्य की एक पुस्तक थी, एक ग्रंथ था जिसका नाम था सप्तांग।
चाणक्य के एक ग्रंथ सप्तांग में राज्य की विशेष रूप से व्याख्या मिलती है, तो आप यहाँ पर थोड़ा इसी के बारे में हम चर्चा करते हैं कि वास्तव में जो चाणक्य थे या कौटिल्य थे, उन्होंने राज्य के बारे में क्या व्याख्या दी। अब देखो, इन्होंने राज्य के बारे में जो बताया, आप यहाँ ध्यान रखेंगे, राज्य के बारे में इन्होंने बताया, एक सप्तांग ग्रंथ लिखा और सप्तांग ग्रंथ में कहा कि जो राज्य होता है उसमें वास्तव में उसके 7 अंग होते हैं। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, उस समय जो व्याख्या की थी प्राचीन समय में, वो वास्तव में 7 अंग हुआ करते थे। लेकिन अगर हम आज के समय का थोड़ा दोनों का क्या देखते हैं, लेवल देखते हैं, तो वास्तव में राज्य के जो अंग होते हैं वह 4 अंग होते हैं। आप यहां थोड़ा ध्यान देंगे, वास्तव में राज्य वह कहलाता है जिसके 4 अंग होते हैं, और जिस 4 अंग में से अगर एक भी अंग नहीं हुआ उसको आप राज्य नहीं कहते, राज्य नहीं कह सकते। जैसे हम यहां पर देखते हैं कि राज्य की अगर बात करें तो जो चाणक्य थे उन्होंने बताया था राज्य के बारे में, इसका अहम अंग और प्रथम अंग जो होगा वह भूभाग होगा, दूसरा जो होगा वह जनसंख्या होगी, और तीसरा जो होगा वह सरकार होगी, और चौथा अंग जो होगा उसे बोलते हैं वह स्वतंत्रता होगी या संप्रभुता होगी। आप ध्यान दें थोड़ा, राज्य के बारे में उन्होंने सप्तांग ग्रंथ में बताया कि इसके 7 अंग होते हैं, लेकिन हमें यहां सिर्फ 4 अंग पढ़ने, जो वर्तमान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर कोई दुनिया में राज्य है, और राज्य का दूसरा मतलब क्या होता है, देश, अगर दुनिया का कोई भी देश है या राज्य है तो वहां पर 4 अंग होना अनिवार्य है। अगर इन 4 अंगों में से कोई भी अंग नहीं रहता है तो वह राज्य कहलाने के योग्य नहीं रह सकता, उसे हम राज्य नहीं कह सकते, उसे हम देश नहीं कह सकते। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, अगर कोई देश है तो उस देश के पास भूभाग होना अनिवार्य है, अगर कोई राज्य है तो वहां भूभाग होना बहुत अनिवार्य है। अगर वहां भूभाग ही नहीं होगा, धरातल नहीं होगा, पृथ्वी नहीं होगा, तो फिर आप उसे राज्य कैसे कह सकते हो। अगर उस देश में भूभाग है तो उस भूभाग पर निवास करने के लिए जनसंख्या बहुत जरूरी है। अगर आप जनसंख्या नहीं है तो आप एक बात, तो आपके पास बहुत बड़ा भूभाग पड़ा है, बहुत बड़ा धरातल है, पृथ्वी है, लेकिन वहां पर जनसंख्या नहीं है, तो क्या पशु और जानवरों पर राज्य किया जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब हुआ, अगर किसी भी देश के पास भूभाग है तो भूभाग के साथ साथ उस पर रहने के लिए क्या चाहिए, जनसंख्या का होना बहुत अनिवार्य है। अगर किसी भी देश में भूभाग भी है, जनसंख्या भी है, तो उस जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए वहां एक सरकार का होना भी अनिवार्य है। अगर किसी देश के पास भूभाग है, जनसंख्या है, और जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए वहां सरकार होना बहुत अनिवार्य है, अगर सरकार नहीं होगी तो यह जनसंख्या नियंत्रित नहीं हो सकती, इसके लिए कोई भी कानून या रूल नहीं बनाया जा सकता। और अगर उस देश में यह तीसरा अंग सरकार भी है तो वह एक सरकार ऐसी होनी चाहिए जो स्वतंत्र हो या अपने निर्णय लेने में खुद सक्षम हो। तो मेरा कहने का मतलब हुआ, अगर दुनिया का कोई देश है या राज्य है तो आप यहाँ कह सकते हो, राज्य उसी को कहा जा सकता है जिसके पास यह 4 अभिन्न अंग होंगे, जिसके लिए बोल सकते हैं हम भूभाग भी होगा, जनसंख्या भी होगी, सरकार भी होगी, और सरकार कैसी होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए, उसी को हम क्या कह सकते हैं, राज्य कह सकते हैं। जब हम यहाँ राज्य कह सकते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 1947 से पहले भारत एक देश जरूर था, भारत एक राज्य जरूर था, लेकिन आप यहां यह नहीं कह सकते कि वह एक स्वतंत्र राज्य था या वह एक देश था। वह भारत जो था 1947 से पहले औपनिवेशिक देश था। यह पूछ लिया जाता है कि 1947 से पहले भारत क्या था, तो आप यहां पर कर दोगे औपनिवेशिक देश था। अब यहां पर यह शब्द आया औपनिवेशिक क्या होता है, आप औपनिवेशिक का मतलब यहां थोड़ा समझे, थोड़ा अर्थव्यवस्था इकोनॉमी हमें यहां जाना होगा तब समझ में आएगा। औपनिवेशिक का वास्तविक मतलब यह होता है जब किसी एक देश की अर्थव्यवस्था किसी अन्य देश के हाथों संचालित हो, वो भी अपने फायदे के लिए, उसे कहा जाता है औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था या औपनिवेशिक देश।
जैसे हम बात करें 1947 से पहले भारत की जितनी भी इकोनॉमी थी, जितनी भी अर्थव्यवस्था थी, राज व्यवस्था थी, जो कुछ भी था वह इंग्लैंड के द्वारा संचालित होता था, उसी के नियमों द्वारा संचालित होता था। इसीलिए भारत उस समय एक औपनिवेशिक राज्य था, औपनिवेशिक एक देश था। आज वर्तमान में अगर भारत की बात करें तो देखो भारत के पास भूभाग भी है। पहले औपनिवेशिक राज्य कैसे था इसके बारे में तो जाना ही नहीं। औपनिवेशिक राज्य क्यों था? क्योंकि देखो उस समय भारत के पास भूभाग था, पृथ्वी थी, और पृथ्वी पर रहने के लिए जनसंख्या भी थी आजादी से पहले। लेकिन इस जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए जो सरकार थी वो ब्रिटिश सरकार थी, भारत सरकार नहीं थी, ब्रिटिश सरकार थी। और वह सरकार भी जो थी वो भी क्या थी? स्वतंत्र थी, अपने रूल स्वयं बनाती थी। इसमें भारत का कोई भी व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी देश होगा तो उसके पास यह चार अभिन्न अंग होना अनिवार्य है। वही क्या कहलाता है? राज्य कहलाता है। अगर आज हम भारत की बात करें तो आज भारत औपनिवेशिक राज्य नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्र गणतंत्र राज्य है, जिसके पास भूभाग भी है, जनसंख्या भी है, और सरकार भी, और एक ऐसी सरकार है जो अपना निर्णय स्वयं ले सकती है, स्वतंत्र है। इसीलिए हम कह सकते हैं भारत एक क्या है? राज्य है। भारत एक क्या है? तो मेरा मतलब हुआ कि आपको समझ में आया होगा कि वास्तव में राज्य क्या होता है। या इससे पहले एक और इसका एक और उदाहरण बताएं कि वास्तव में राज्य क्या होता है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। इसका एक और उदाहरण लेते हैं हम तिब्बत। यहां आप ध्यान देंगे थोड़ा, एक और उदाहरण लेते हैं तिब्बत। यह बात उस समय की है जिस समय भारत और चाइना का युद्ध हुआ 1962 में भारत चाइना का एक युद्ध हुआ। और यह युद्ध होने का सबसे बड़ा कारण कई हुए। एक तो तुम्हारे पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय के प्रधानमंत्री थे, उनकी विदेश नीतियां कुछ अच्छी नहीं रहीं। और इसका सबसे बड़ा कारण था दलाई लामा। और दलाई लामा जो थे तिब्बत के बौद्ध गुरु थे। और उस समय तिब्बत चाइना का एक गुलाम देश था। चाइना का एक औपनिवेशिक देश था तिब्बत। तिब्बत गुलाम था और तिब्बत आज भी गुलाम है। तो आप यहां पर इतना उदाहरण समझिए कि जो दलाई लामा थे इन्होंने क्या कर दिया, वहां पर आंदोलन शुरू कर दिया। आंदोलन शुरू करने का मतलब वह अपने देश को आजाद कराना चाहते थे, आप यहां ध्यान रखो। और उन्होंने क्या किया, लगातार अपने यहां पर आंदोलन करने लगे। लेकिन जब चाइना को लगा कि आंदोलन ज्यादा हुए तो ज्यादा होने से क्या होगा कि हम तिब्बत को आजाद कर देंगे, फिर इसीलिए उन्होंने दलाई लामा को पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद उन्होंने चेतावनी दे दी, या तो आप तिब्बत को छोड़ दो नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। इसीलिए दलाई लामा 1960 में दलाई लामा तिब्बत से भारत में आके शरण ले ली। तिब्बत से कहाँ आ गया? भारत आ गया। और जैसे ही यह भारत आया तो भारत में एक धर्मशाला पड़ता है जहां क्रिकेट मैच भी होता है। धर्मशाला नामक स्थान पर आकर रुक गया। अब इसने तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा को भारत ने शरण दे दी, जिसके लिए चाइना को बहुत बुरा लगा। और चाइना ने बार बार मना किया भारत से कि या तो आप दलाई लामा को वहां से छोड़ दो नहीं तो हम तुम पर आक्रमण कर देंगे। और इसके फलस्वरूप यही हुआ कि 1962 में हमें एक युद्ध लड़ना पड़ा चाइना के साथ, और उस युद्ध में हमारी बहुत हानि हुई। अब दलाई लामा धर्मशाला में रहने लगा, इसके जितने भी अनुयायी थे वो भी वहां आ गए। अब समझना था ना, देखो आप अगर बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला पड़ता है, अगर यहाँ जाओगे तो यहाँ पर दलाई लामा के ही अनुयायी ज्यादा हैं, यहाँ पर बौद्ध लोग ही ज्यादा हैं। तो आप ध्यान दो कि देखो अगर दलाई लामा आज धर्मशाला में कुछ भी कह दे वह उसकी बात कहीं रोकी नहीं जाती। यह अपने आप में एक सरकार की तरह रहता है भारत में, लेकिन फिर भी वह एक राज्य नहीं बना पाया। क्यों? क्योंकि जो भूभाग है धर्मशाला में वो किसका है? भारत का। किसका भूभाग है? भारत का। वहां जो जनसंख्या है वह भारत की भी है, और दलाई लामा के भी अनुयायी हैं, और जो सरकार है वह भारत की भी है, लेकिन वहां चलती किसकी ज्यादा है? दलाई लामा की। और दलाई लामा वहां पर क्या है? स्वतंत्र है। लेकिन उसके पास वास्तव में क्या नहीं है? भूभाग नहीं है। अगर उसके पास भूभाग और होता, अगर पृथ्वी और होती, तो वह भी अपना एक अलग देश बना लेता। इसीलिए मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि राज्य वास्तव में वह होता है जिसके पास यह चार अभिन्न अंग होते हैं।
अगर राज्य के बारे में समझ में आया हो तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे देखते हैं राज्य के बाद आती है राज्य की व्यवस्था। राज्य के बाद आगे बात करें तो राज्य के बारे में बात करने के बाद व्यवस्था के बारे में बात करें, और व्यवस्था से पहले आप थोड़ा एक बात समझ लें, दुनिया का कोई भी देश क्यों ना हो, कोई भी राज्य क्यों ना हो, वहां सिर्फ दो प्रकार की नीति होती है, वहां सिर्फ दो प्रकार का सिस्टम होता है। दुनिया का कोई भी देश क्यों ना हो, और वह सिस्टम जो होता है वह दो प्रकार का यह होता है, या तो उस देश में राजतंत्र होगा या उस देश में लोकतंत्र होगा। आप समझेंगे थोड़ा, दुनिया का कोई भी देश हो वहां सिर्फ दो प्रकार की व्यवस्था हो सकती है, या तो उस देश में राजतंत्र होगा, या राजतंत्र का दूसरा नाम आता है वंशानुगत शासन, वंशानुगत शासन, और लोकतंत्र का दूसरा नाम आता है प्रजातंत्र, या तीसरा नाम बोल सकते हैं गणतंत्र। दुनिया का कोई भी देश क्यों ना हो, या तो वहां राजतंत्र होगा या लोकतंत्र, प्रजातंत्र और गणतंत्र होगा। थोड़ा इसके बारे में थोड़ा समझते हैं होता क्या है। अब यहां पर नाम दिया राजतंत्र और इसका दूसरा नाम होता है वंशानुगत शासन, यहां एक नाम दिया लोकतंत्र, प्रजातंत्र और गणतंत्र। तो आप यहां ध्यान रखेंगे, अगर हमने प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ा है, उसमें पूरा संक्षिप्त में मैंने बताया था राजाओं के बारे में, मध्यकालीन भारत भी पढ़ेंगे, तो देखिए आप यहां समझिए कि अगर हम बात करें 1688 ईस्वी से पहले, 1688 ईस्वी से पहले दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं था जहां राजतंत्र हो। 1688 ईस्वी से पहले दुनिया के प्रत्येक देश में राजतंत्र और वंशानुगत शासन था, ना तो वहां लोकतंत्र था, ना वहां प्रजातंत्र था, और ना ही गणतंत्र था। मतलब कहने का मतलब यह हुआ, हम यहां कह सकते हैं एक वास्तविक परिभाषा के माध्यम से, राजतंत्र वंशानुगत शासन क्या होता है, जहां एक राजा शुरू से ही उसके वंश के अनुसार क्या चलता आ रहा हो, राज्य चलता रहा हो। मानो कि यह एक राजा है, यह शासन कर रहा है और यह वृद्ध हो गया, वृद्ध होने के बाद इसके ही वंश से, इसकी फैमिली से कोई ना कोई शासक बनेगा, वह कहलाता था वंशानुगत शासन या राजतंत्र। मेरा कहने का मतलब हुआ कि हमने जब मौर्य वंश पढ़ाया था तो इस वंश का संस्थापक हुआ चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाने के बाद इसका पुत्र शासन पर बैठा, जिसका नाम हुआ क्या, जिसका नाम था बिंदुसार, और बिंदुसार की मृत्यु होने के बाद उसका बेटा अशोक बैठा, और अशोक की मृत्यु होने के बाद बृहद्रथ बैठा। तो आप यहां ध्यान रखेंगे, राजतंत्र वह होता है जहां पर एक वंश शासन करता आता है, और एक लंबे समय तक, एक बहुत बड़ी अवधि तक एक वंश ही, एक परिवार ही क्या करता है, लगातार इसमें क्या करता है, शासन करता है। तो आप यहां ध्यान रखेंगे, यहां राज्य के लिए जो सिस्टम बनाया जाता है या फिर कोई भी कानून बनाया जाता है, यहां सिर्फ और सिर्फ राजा बनाता है। यहां पर जनता की कोई भागीदारी नहीं होती, कोई भागीदारी नहीं होती, जनता को तो सिर्फ सुनना होता है, जनता को तो फॉलो करना होता है उसके कानून को, लेकिन पूरा कानून जो बनाता है यहां सिर्फ कौन बनाता है, उस राज्य का राजा बनाता है। लेकिन जब नाम लोकतंत्र आया दुनिया में सबसे पहली बार 1688 ईस्वी में आया, जब नाम लोकतंत्र आया, तो अब लोकतंत्र के बारे में पहले समझते हैं कि लोकतंत्र वास्तव में क्या होता है। तो आप यहां समझो कि लोक जो होता है, लोक का मतलब होता है लोग, लोक का मतलब लोग होता है, और तंत्र को बोलते हैं एक प्रकार से, इंग्लिश में समझ जाओगे सिस्टम। तो लोगों के द्वारा बनाया गया सिस्टम क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। यहां सिस्टम कौन बना रहा था, राजा बना रहा था, और यहां सिस्टम कौन बना रहा है, प्रजा बना रही है, लोग बना रहे हैं। अगर हम यहां बात करें प्रजा का मतलब क्या होता है, प्रजा में भी कौन लोग होते हैं, प्रजा में भी लोग होते हैं, और तंत्र का मतलब क्या होता है, सिस्टम होता है। अगर हम यहां बात करें गढ़, गढ़ का भी मतलब क्या होता है, लोग होता है, और तंत्र का मतलब क्या होता है, सिस्टम होता है। या हम यहां से एक बात और समझ लेंगे, इसमें इसे डेमोक्रेसी कहा जाता है।
इंग्लिश में इसे डेमोक्रेसी कहा जाता है। जैसा कि अगर यहाँ बात करें, डेमो का मतलब भी जनता होती है या लोग होते हैं, और क्रेसी का मतलब तंत्र होता है। तो मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि जो जनता के द्वारा या प्रजा के द्वारा या लोगों के द्वारा जो सिस्टम बनाया जाता है, जो रूल बनाए जाते हैं, जो कानून बनाए जाते हैं, वही लोकतंत्र, प्रजातंत्र या गणतंत्र कहलाता है। अब यहां से अगर एक और बात करें, एक अमेरिका के राष्ट्रपति हुए थे जिनका नाम था अब्राहम लिंकन। और अब्राहम लिंकन एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने छुआछूत से लेकर सभी जितनी भी अपवाह थी उन सबको मिटाया था, और इन्होंने वास्तव में गणतंत्र की एक नई परिभाषा दी थी। इन्होंने बताया था गणतंत्र, लोकतंत्र और प्रजातंत्र क्या होता है। तो आप यहां ध्यान रखेंगे, पूछ लिया जाता है कि लोकतंत्र, गणतंत्र या प्रजातंत्र की वास्तविक परिभाषा अब्राहम लिंकन ने जो दी वो क्या थी। तो आप यहां पर लिखेंगे, अब्राहम लिंकन के अनुसार वास्तव में गणतंत्र की अगर बात करें तो इन्होंने कहा था कि जनता का जनता के द्वारा जनता पर शासन करना ही लोकतंत्र कहलाता है। जनता का जनता के द्वारा जनता पर शासन करना ही लोकतंत्र कहलाता है। जैसे हम इनकी परिभाषा के बारे में थोड़ा समझेंगे, यहां पर इन्होंने कहा कि जनता पर शासन करना क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा जो जनता का ही एक व्यक्ति होगा और जनता के द्वारा ही वह चुना जाएगा और जनता पर ही क्या करेगा, शासन करेगा, वही लोकतंत्र कहलाएगा। जैसे हम उदाहरण ले लें कि जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं नरेंद्र मोदी, यह एक जनता के ही व्यक्ति थे, बहुत छोटे आदमी थे, जनता के व्यक्ति थे, जनता के बीच में से आए और जनता के द्वारा चुने गए, जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया और आज जनता पर ही क्या कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं। जब उनके मन में आता है नोटबंदी कर देते हैं, जब मन आता है जीएसटी लगा देते हैं, क्या जनता को पूछा जाता है। तो मेरा कहने का मतलब हुआ कि जनता का एक व्यक्ति होगा, जनता के द्वारा चुना जाएगा और जो जनता पर ही क्या करेगा, शासन करेगा, वही क्या कहलाता है, प्रजातंत्र, लोकतंत्र या गणतंत्र कहलाता है। तो यहां पर मेरा कहने का मतलब यह था सिर्फ कि दुनिया में जो देश होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, या तो वह होगा क्या, राजतंत्र, या होगा वह लोकतंत्र। सुनो, अब यहां अपन नाम जो ले रहे थे वो व्यवस्था के बारे में ले रहे थे, और दुनिया का अब चाहे कोई भी देश क्यों ना हो, चाहे वहां राजतंत्र हो या लोकतंत्र हो, वह तीन प्रकार की व्यवस्था अपनाता है, कोई भी देश क्यों ना हो दुनिया का। पहली व्यवस्था होती है जिसे हम बोलते हैं व्यवस्थापिका, दूसरी व्यवस्था जो होती है इसे हम बोलते हैं कार्यपालिका, और तीसरी व्यवस्था को कहा जाता है न्यायपालिका। देखिए, दुनिया का कोई भी देश हो, देश दो प्रकार के होते हैं, या तो वहां राजतंत्र होगा या वहां लोकतंत्र होगा। हाँ, दुनिया का कोई भी देश हो, चाहे राजतंत्र हो या लोकतंत्र, वह अपने राज्य की जो व्यवस्था बनाता है वह इन तीनों से मिलकर ही बनाता है। या तो व्यवस्था, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों कोई भी राज्य अपनाता है, कोई भी राज्य क्यों ना हो, दुनिया का कोई भी राज्य, कोई भी देश क्यों ना हो, चाहे वहां राजतंत्र हो या लोकतंत्र हो, वह तीन प्रकार की ही व्यवस्था अपनाता है। इसका एक होता है व्यवस्थापिका, एक होता है कार्यपालिका और एक होता है न्यायपालिका। अब यहां हम समझेंगे एक एक से कि वास्तव में व्यवस्थापिका क्या होती है, कार्यपालिका क्या होती है, या फिर हम बात करेंगे न्यायपालिका क्या होती है। तो इससे पहले हम थोड़ा इतना तो लोग सब जो सब लोग जानते हैं कि भारत में संसदीय प्रणाली है, और संसदीय प्रणाली है तो भारत में जो संसद है, संसद के जो है वो दो सदन हैं। भारत में संसद के दो सदन हैं, एक सदन है जिसे हम बोल सकते हैं निम्न सदन और दूसरा सदन है उच्च सदन। हमें थोड़ा यह इसलिए पढ़ना पड़ रहा है कि ताकि आपकी समझ में आए कि व्यवस्था वास्तव में क्या होती है। एक है निम्न सदन और दूसरा है उच्च सदन। निम्न सदन को बोला जाता है हमारे यहां पर लोकसभा, और उच्च सदन को बोला जाता है राज्यसभा। यहां
अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है और यहां अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। निम्न सदन या लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है, जबकि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में लोकसभा में जो सदस्य हैं वो 545 हैं, जबकि राज्यसभा में जो सदस्य हैं वो कितने हैं? 245 वर्तमान में जो हैं। लेकिन अधिकतम 552 से ज्यादा नहीं हो सकते और यहां अधिकतम 250 से ज्यादा नहीं हो सकते और यह 2026 तक नहीं हो सकते। 2026 के बाद इसमें संशोधन होगा, वो आगे संविधान में पढ़ाया जाएगा क्या होता है, पहले थोड़ा समझो। अगर हमें अपने देश की व्यवस्था बनानी है तो इस देश की व्यवस्था बनाने में अहम भागीदारी जो होती है वह लोकसभा और राज्यसभा के लोगों की होती है, लोकसभा और राज्यसभा के लोगों की होती है। जैसे कि आप यहां समझ सकते हो कि लोकसभा के लोग कितने हुए सदस्य, 552, राज्यसभा के कितने हुए 250, तो इसमें लाकर कुल मिलाकर हुए 802। तो पूरे भारत की जो व्यवस्था संभालते हैं वो सिर्फ कितने लोग संभालते हैं? 802 लोग। अब ये अपने अधीन आईएएस पीसीएस आईपीएस लोगों को कार्य कराते हैं वो एक अलग व्यवस्था है, लेकिन वास्तव में जो व्यवस्थापिका संभालते हैं सिर्फ 802 लोग संभालते हैं। अब यहां पर हम समझेंगे व्यवस्थापिका कार्यपालिका या न्यायपालिका होती क्या है, और इसके लिए आप एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। जैसे कि हम लोगों ने 552 और 250 लोगों को चुनाव किया, मनोनीत किया और कुल मिलाकर पूरे देश की सुरक्षा के लिए व्यवस्था के लिए 802 लोग तैयार कर दिए। जैसा कि आप यहां से एक उदाहरण ले सकते हो कि आपके यहां आपके गांव में आपके शहर में कोई एक बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है, बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, मानो कोई बहुत बड़ी डांसर आ रहे हैं या कोई भी आ रहा है, बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। अब जो मालिक है उसने कह दिया भैया मैं तो सिर्फ पैसे खर्च कर सकता हूं, और व्यवस्था तो आप लोगों को ही बनानी होगी। व्यवस्था किसे बनानी होगी? आप लोगों को बनानी होगी। जैसे बोल दिया कि कल एक क्या होने वाला है, प्रोग्राम होने वाला है, और कल प्रोग्राम होने से पहले ही एक दिन पहले उसने 500 व्यक्तियों को चुन लिया। कितने लोग बुलाए उसने? 500 लोग। और यह 500 लोग जो बुलाए वो किस लिए बुलाए? कि व्यवस्था बनानी है। भैया आप 500 लोग मेरे लिए यहां पर बुलाए, या फिर 500 नहीं बोला 100 लोग बुलाए और कहा कि इन 100 लोगों को यहां व्यवस्था बनानी है। अब समझना बात, यह 100 लोग किस लिए आए? सिर्फ व्यवस्था बनाने के लिए। यह 802 लोग क्या थे? व्यवस्थापिका के ही थे, व्यवस्था बनाने के लिए थे यह 802 लोग, इन्हें कार्य नहीं दिया गया। यह व्यवस्थापिका जो है वो यही व्यवस्थापिका है कि उस व्यक्ति ने पहले ही बोल दिया कि मुझे भैया 100 व्यक्ति चाहिए जो मेरे इस प्रोग्राम की क्या बना दें, व्यवस्था बना दें। यही भारतीय संविधान कहता है कि मुझे 802 लोग चाहिए जो इस देश की क्या बना दें, व्यवस्था, सिर्फ व्यवस्था बना दें। अब इस व्यक्ति ने क्या किया, जहां प्रोग्राम होने वाला था रात ही बिल्कुल कार्ड मेन्यू तैयार कर दिया और कहा देख भाई यहां पर बहुत बड़ा प्रोग्राम है, बहुत दूर दूर के लोग आएंगे, तुझे तुम में से 5 लोगों को बिल्कुल लाठी लेकर तैयार रहना है गेट पर। और यहां टिकट भी बेची जाती है कि 4 लोग टिकट बेचेंगे, एक पैसा संभालेगा, एक क्या करेगा उसकी सिक्योरिटी पर रहेगा जो भी डांसर है, एक क्या पानी बांटेगा या कुछ करेगा। तो मेरा कहने का मतलब हुआ कि जो व्यक्ति सुरक्षा के लिए थे तो इन्हें भी तो कार्य दिया गया, इस व्यवस्था में ही से तो क्या दिया गया, कार्य दिया गया। तो जो व्यवस्था हमने 802 लोगों की बनाई थी और इसमें से जब व्यक्तियों को कार्य दिया जाता है वही कहलाती है कार्यपालिका। जैसे हम कह सकते हैं कि आज अगर हम बात करें, कोई भी बात करें, हम अपने यहां की बात करें या कैसी भी बात करें, कि हमने 802 लोगों को पहुंचा दिया, 802 लोगों को हमने कहां पहुंचा दिया, संसद में पहुंचा दिया, जिसमें से 552 लोकसभा में हैं और 250 राज्यसभा में हैं। तो मेरा कहने का मतलब हुआ कि जो व्यक्ति इन 802 में से जिन्हें स्पेशल कार्य दे दिया गया, जैसे हमने बोला कि इन 802 में से किसी को गृह मंत्री बना दिया, किसी को रक्षा मंत्री बना दिया, किसी को उद्योग मंत्री बना दिया, किसी को महिला मंत्री बना दिया, बाल विकास मंत्री बना दिया, विमान मंत्री बना दिया, जब इन्हें कोई मंत्री पद मिला वही उनका कार्य हो जाता है। तो आप यहां ध्यान रखेंगे जिन व्यक्तियों को इन व्यवस्था में से कार्य दे दिया गया या मंत्री बना दिया गया वह सदस्य हो जाता है कार्यपालिका का सदस्य। वह किसका सदस्य हो जाता है? कार्यपालिका का सदस्य हो जाता है।
और जिन व्यक्तियों के पास कोई मंत्री का पद नहीं मिलता या कोई मंत्रालय विभाग नहीं मिलता, उनका काम सिर्फ किसका होता है? व्यवस्था बनाने का होता है। जैसे हम एक उदाहरण लें, जैसे हमारे क्षेत्र से ही सांसद जी हैं सतीश गौतम जी, वह लोकसभा के सदस्य हैं, वह व्यवस्थापिका में शामिल हैं, वह भी संसद में जाके बैठते हैं और इन्हीं 552 लोगों में से हैं, लेकिन उन पर अतिरिक्त कार्यभार नहीं दिया गया, उन्हें कोई मंत्री नहीं बनाया गया, वह सिर्फ क्या हैं? सांसद हैं। और जब वह सांसद हैं तो उनसे पहले ही बोल, अगर उन्हें कोई मंत्री पद मिल जाता, बोल दिया जैसे निर्मला सीतारमण ने उन्हें रक्षा मंत्री बना दिया तो वह कार्यपालिका का सदस्य हैं, राजनाथ सिंह गृह मंत्री बना दिए तो वह कार्यपालिका का सदस्य हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो वह कार्यपालिका का सदस्य हैं, लेकिन सतीश गौतम भी तो लोकसभा के सदस्य हैं, लेकिन उन्हें कोई मंत्री नहीं बनाया गया, इसीलिए उनसे कह दिया भैया जिस क्षेत्र से आप चुनाव जीते हैं आप उसी क्षेत्र की क्या देखो, व्यवस्था देखो। और जब वह कार्यपालिका का हिस्सा बन जाता है तो वह अपने क्षेत्र की व्यवस्था नहीं देखता जबकि पूरे देश की व्यवस्था देखता है, उसे पूरे देश की व्यवस्था देखनी होती है। तो यह होती है व्यवस्थापिका और यह होती है क्या, कार्यपालिका। अब कार्यपालिका से अगर बात करें तो यहां पर एक नाम आया न्यायपालिका, और न्यायपालिका की अगर बात करें तो भारत की जो न्यायपालिका है वह एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, इसीलिए हम न्यायपालिका के बारे में अभी बात नहीं करेंगे, न्यायपालिका का एक अलग वीडियो होगा। अब यहां पर ध्यान दें, अब मैंने कहा दुनिया में दो प्रकार के देश होते हैं, एक तो राजतंत्र होता है और एक लोकतंत्र होता है, तो लोकतंत्र की व्यवस्था जो चलती है वो व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिका से चलती है, लेकिन यहाँ लोग इन्हें चुनते हैं। देखो 552 लोगों को हम लोग ही चुनते हैं, लोकसभा सदस्यों को, राज्यसभा में जो सदस्य जाते हैं उन्हें भी हम लोग चुनते हैं, चाहे वो इनडायरेक्ट रूप से हों, लेकिन चुनाव तो जनता ही करती है। तो यह लोग हमारी व्यवस्था बनाते हैं, कार्यपालिका बनाते हैं और न्यायपालिका भी देते हैं, लेकिन जब यह बात राजतंत्र की आ जाती है, यह तो सिर्फ कहां होता था, लोकतंत्र में, लेकिन बात जब राजतंत्र की आ जाती है तो यहां पर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों का जो प्रमुख होता है वह राजा ही होता है। यहां का प्रमुख कौन होता है? राजा ही होता है। राजा के मन में जो आएगी उन व्यक्तियों को व्यवस्था में शामिल करेगा, राजा को जो इच्छा करेगी उसे अतिरिक्त कार्यभार देगा। और आपने देखा होगा पुरानी फिल्म्स वगैरह में देखा होगा कि जब कोई राजा गद्दी पर बैठा होता है और उसके राज्य में, उसके देश में कोई अपराध होता है तो उसके न्याय के लिए वहां उसके परिजन आते हैं, और जब न्याय भी देता है तो वहां कौन देता है? राजा ही देता है। तो मेरा कहने का मतलब हुआ, दुनिया का कोई भी देश हो, व्यवस्थाएं तो तीनों रहेंगी, लेकिन राजतंत्र में तीनों व्यवस्थाएं राजा में विलीन होती हैं, लेकिन लोकतंत्र में तीनों व्यवस्थाएं किस में होती हैं? प्रजा में विलीन होती हैं। ये किसमें विलीन होती हैं? प्रजा में विलीन होती हैं। तो आप यहां से एक बात और सुनेंगे, जो राजा राजतंत्र के अधीन व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका किसी को नहीं मानता, बस अपनी इच्छा चलाता है, इन तीनों से भी ऊपर सोचने लग जाता है, वही राजा बन जाता है तानाशाह। उसी को कहा जाता है तानाशाह या निरंकुश शासक। वही राजा तानाशाह और निरंकुश होता है। जैसा कि आप जानते हो एडोल्फ हिटलर हुआ, वह तानाशाह बना था, उसने व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सबको छोड़ दिया था, किसी की नहीं मानता था, अपनी अपनी चलाता था, तानाशाह बना, दुनिया का सर्वोच्च पद था इसका तानाशाह में, तो इतना बड़ा तानाशाह बन गया था। अगर आज हम वर्तमान में बात करें तो एक देश है जिसका नाम उत्तर कोरिया है, वह भी नहीं मानता, ना तो व्यवस्थापिका मानता, ना कार्यपालिका, ना न्यायपालिका, जो अपनी इच्छा होती उसी को न्याय दे देता है, जो मन में आए इसे मारना है तो मारना है। तो मेरा कहने का मतलब होता, जो शासक व्यवस्थापिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका तीनों को छोड़कर उससे ऊपर सोचने लग जाता है वही राजा बन जाता है तानाशाह। अगर वर्तमान में बात करें तो उत्तर कोरिया का तानाशाह है जिसे किम जोंग के नाम से जाना जाता है, वह भी क्या है? तानाशाह है। तो आप यहां ध्यान रखेंगे, तो देश राजतंत्र हो या लोकतंत्र हो, वह व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से ही चलाया जाता है। अब इससे आगे अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा लंबा वीडियो जाएगा, ज्यादा समय की अवधि खिंचेगी, इसलिए यहां से अगर हम बात करेंगे तो आगे संविधान के बारे में बात करेंगे। तो हमने सिर्फ व्यवस्थाएं बताई
और जो संविधान के बारे में बात करेंगे कि हम सबसे पहले यह जानने की कोशिश करेंगे दुनिया में सर्वप्रथम संविधान कहाँ से आया, ये रेवोल्यूशन कहाँ से आई, लोकतंत्र शब्द लेकर कौन आया। यहाँ तो दुनिया में आप देख रहे हो 1688 से पहले सिर्फ राजा ही राजा होता था, राजतंत्र ही होता था, तो लोकतंत्र कहाँ से आया, ऐसी क्रांति कहाँ हुई, इससे अगले वीडियो में हम बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। आज के लिए थैंक्स, लेकिन सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।